फाइनली दोस्तों, फाइनली ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। स्टार उत्सव 2 अब आप सभी के लिए लॉन्च होने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत सरकार ने उसको लाइसेंस दे दिया है। जी हां, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से फाइनली आपके स्टार उत्सव 2 को लॉन्च होने की अनुमति मिल गई है, लाइसेंस मिल गया है। कभी भी चाहे अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन चैनल की शुरुआत होने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस चैनल को लॉन्च किया क्यों जा रहा है, जबकि पहले से ही इनका स्टार उत्सव मौजूद है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, और डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों को उसका लाभ कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पहली बार आए थे, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो बताना चाहूंगा, देखिए आपको मालूम है कि स्टार उत्सव डीडी फ्रीडिश पर काफी समय से मौजूद नहीं है। वो वापस आना भी चाहे तो भी वापस लौट नहीं पा रहे हैं। कारण आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं क्या रीजन है उसके पीछे। उन रीजन की वजह से ही स्टार उत्सव जो है यहां पर देखने को नहीं मिल पाता। इवन जी अनमोल, सोनी पल, कलच रिश्ते भी तभी अवेलेबल नहीं है। अब स्टार इंडिया ने एक अच्छी पहल की है, उन्होंने जो है एक अपने एग्जिस्टिंग चैनल को बंद करने के साथ एक नए चैनल को शुरू करने का फैसला किया है। जैसे कि खबरें आ रही हैं तो बताया जा रहा है कि बिंदास चैनल को बंद करके यहां पर स्टार उत्सव 2 चैनल को लॉन्च किया जाएगा, और लाइसेंस की जो परमिशन मिली है वो भी डिज्नी के नाम से ही मिली है, जिससे साबित होता है कि बिंदास जो है वो डिज्नी का ही हिस्सा था, और डिज्नी की जगह पर जो है बिंदास की जगह पर जो है स्टार उत्सव 2 को मौका मिलने वाला है। जैसे कि आप सामने तस्वीर भी देख सकते हैं, इसमें जो है साफ दिखाई दे रहा है कि डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग की ओर से ही स्टार उत्सव 2 के लाइसेंस को अप्रूवल मिली है। यानी कि कभी भी चाहे तो एशिया सेट 7 जो कि सी बैंड का सैटेलाइट है, उस पर ये टेस्ट सिग्नल की शुरुआत करके अपने चैनल को शुरू कर सकते हैं। ऑफिशियली लॉन्चिंग कब होगी अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अब बात आती है कि डीडी फ्रीडिश पर कैसे देखने को मिल सकेगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि स्टार उत्सव तो नहीं है, लेकिन स्टार उत्सव 2 को डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च करने के लिए ही इसकी शुरुआत की जा रही है, वरना उनको स्टार उत्सव 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं क्या रीजन है। जी हाँ, स्टार उत्सव 2 को जो है ये एज अ फ्री टू एयर एफटीए के रूप में शुरू कर सकते हैं, जो कि सिर्फ डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए ही अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। बाकी डिटेल्स प्लेटफॉर्म पर उसको लॉन्च नहीं किया जाएगा शुरुआत के समय में, बाकी बाद में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल के रूप में डीडी फ्रीडिश पर ही उसे फिलहाल लॉन्च किया जाने वाला है। इसी के लिए जो है स्टार उत्सव 2 को लॉन्च करने का फैसला किया गया, क्योंकि उसमें जो भी कार्यक्रम स्टार उत्सव पर देखने को मिलते हैं उसे स्टार उत्सव 2 पर दिखाया जाएगा, और डीडी फ्रीडिश का जो ग्राहकों का मनोरंजन है वो उन्हें उसी तरीके से मिलता रहेगा जैसे उन्हें पहले मिल रहा था स्टार उत्सव चैनल से। और इससे हो सकता है कि बाकी ब्रॉडकास्टर्स को भी ध्यान में आ जाए कि हमें भी अपने कोई और नए चैनल को शुरू करना चाहिए, जो कि हम डीडी फ्रीडिश के लिए डेडिकेटेड शुरू करें, क्योंकि अगर स्टार उत्सव 2 को अच्छी सफलता मिल गई तो बाकी ब्रॉडकास्टर्स भी धीरे धीरे आगे आएंगे, और वो भी कोई ना कोई डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए किसी एंटरटेनमेंट चैनल की शुरुआत करेंगे जिसपे वो अपने पुराने कार्यक्रमों को दिखा सके। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, सोनी वालों को किसी और चैनलों को अपने सीरियल्स दिखाने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, और बाद में होगा क्या, वो खुद ही उन पैसों को अर्न करेंगे जो कि वो किसी और ब्रॉडकास्टर को देकर कमा रहे हैं, और अपने खुद के चैनल को जो है हो सकता है सोनी पल 2 और कलच रिश्ते 2 या फिर और कोई नाम से जो है चैनलों की शुरुआत करके वो डीडी फ्रीडिश में अपने चैनलों को लॉन्च कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि स्टार उत्सव 2 को कैसी सफलता मिलेगी। क्या आप स्टार उत्सव 2 को देखना पसंद करेंगे, नीचे अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टार उत्सव 2 जो है अच्छी सफलता प्राप्त करेगा आप सभी की कृपा से, आप सभी के प्यार से, और हमारे चैनल को भी अपना प्यार दीजिए। हमारा चैनल नया है इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज में सबसे पहले पाते रहने के लिए। नमस्कार।